हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन क्लासेस। सो माय नेम इज़ प्रफुल्ल श्रोति और आज जो हम बात करने वाले हैं वो देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को, जो कि एंशियंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनके आगे पूछने के भी चांसेस हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है हिस्ट्री में तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, वहाँ आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी? ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं? पहला ऑप्शन है आपका कालाशोक, दूसरा है आपका नंदीवर्धन, तीसरा है आपका नागदशक और फोर्थ है आपका उदयन या उदयभद्र। तो ये आपके ऑप्शंस हैं कि भाई इनमें से अंतिम शासक शिशुनाग वंश का कौन था। तो आप लोग जानते हैं जो हमारा उदयन है, तो उदयन जो बिलोंग करता है वो हर्यक डायनेस्टी से बिलोंग करता है, हर्यक वंश। तो ये तो भाई हो नहीं सकता आपका, क्योंकि यहां बात क्या की जा रही है? शिशुनाग वंश की। किसकी बात की जा रही है? शिशुनाग वंश की। और यहां क्या है उदयन? हर्यक वंश का। तो भाई ये तो गलत हो गया। नागदशक, नागदशक जो था हमारा वो शिशुनाग वंश का संस्थापक था। इसी ने, नागदशक ने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो आपका जो आंसर होगा वो ए होगा, कालाशोक। कालाशोक शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। कालाशोक कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। तो पहला ऑप्शन आपका एकदम क्या होगा? सही होगा, करेक्ट होगा। और हम जानते हैं कालाशोक के पीरियड में ही क्या हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके पीरियड में हुई, तो द्वितीय बौद्ध संगीति हमारी कालाशोक के पीरियड में हुई थी। और ये कहां पे हुई? वेयर, स्थान? तो ये जो हुई थी हमारी वैशाली में हुई थी, वैशाली बिहार। और इसका प्रचार करने वाला कौन था? तो इसका प्रचार करने वाले थे साबा कामी, साबा कामी। क्लियर है इतना? और ये कब हुई? तो वैन, तो ये हुई थी हमारी 383 BC, 383 ईसा पूर्व में। तो यानी कि शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो था हमारा कालाशोक, और कालाशोक के पीरियड में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। कहाँ हुई? तो ये वैशाली बिहार में हुई। इसका प्रचार किसने किया? तो इसका प्रचार साबा कामी ने किया। और ये कब हुई? तो 383 BC में हुई थी। आप लोग जानते होंगे जो हमारी बौद्ध संगीतियां हैं, जो बौद्ध संगीतियां हुई वो चार हुई। जो हमारी बौद्ध संगीतियां थी वो कितनी हुई? चार हुई। कहां कहां पे? तो पहली आपकी राजगृह में हुई थी, दूसरी आपकी वैशाली में हुई, तीसरी आपकी पाटलिपुत्र में हुई और फोर्थ आपकी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो ये चार बौद्ध संगीतियां थी जो हमारी हुई, और द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई, जिसका उस समय शासक कौन था? कालाशोक था। तो कालाशोक इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर अलेक्जेंडर, यानी सिकंदर, इन विच ईयर अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया? इनमें से किस वर्ष अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शंस हैं आपके 326 ईसा पूर्व, 316 ईसा पूर्व,
346 ईसा पूर्व और 256 ईसा पूर्व। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो 326 BC होगा। 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया और किसके साथ युद्ध हुआ था? तो अलेक्जेंडर ने जो युद्ध किया वो हमारा पोरस के साथ किया था। कब हुआ? 326 BC में। और ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध को क्या बोला जाता है? हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध। तो 326 ईसा पूर्व में हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ अलेक्जेंडर और पोरस के बीच। कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में। और यही अलेक्जेंडर का पहला आक्रमण था। तो 326 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन पुरातत्ववेत्ता था जिसने हड़प्पा सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा साइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड द हड़प्पा साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब कि इनमें से कौन पुरातत्ववेत्ता था जिसने हड़प्पा स्थल की खोज की जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। यानी ये जो पूछ रहा है ये बात कर रहा है कि हड़प्पा स्थल की खोज किसके द्वारा की गई। ऑप्शंस हैं आपके राखल दास बनर्जी, दूसरा है आपका सर विलियम जोन्स, तीसरा है आपका विष्णु श्रीधर वाकनकर और फोर्थ है आपका दयाराम साहनी। तो क्या आंसर होगा इसका? दयाराम साहनी। तो जो हमारा हड़प्पा स्थल था, जो हमारा हड़प्पा साइट था, इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई थी। और हम जानते हैं हड़प्पा जो हमारा शहर है वो रावी नदी के तट पर है। ये जो स्थल है ये हमारा रावी नदी के तट पर स्थित है। और ये वर्तमान में कहाँ है? तो ये वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में मॉन्टगोमरी डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान। यानी कि जो हमारा हड़प्पा नामक स्थल है वो कहाँ पर है? तो वो मॉन्टगोमरी जिले में पाकिस्तान में स्थित है। और यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ग्रीक रूलर सेंट मेगास्थनीज इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इनमें से किस ग्रीक शासक ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा? तो इसका जो आंसर होगा हमारा सेल्यूकस निकेटर ने ही क्या किया था? मेगास्थनीज को कहाँ भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और मेगास्थनीज ने क्या किया था? मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था इंडिका। तो मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक को लिखा गया और जिसका नाम क्या था? इंडिका। और ये क्या बताती है? मौर्यंस की सोसाइटी के बारे में बताती है, मौर्यकालीन समाज के बारे में ये पुस्तक बताती है। और क्या बताती है? कि भाई समाज उस समय 7 भागों में विभाजित था। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 7 कैटेगरीज। समाज उस समय 7 वर्गों में विभाजित था। और ये जानकारी हमें मेगास्थनीज के इंडिका नामक पुस्तक देती है। और मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में काम किया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। आफ्टर द डेथ ऑफ बिंदुसार हु अमोंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू हेल्प अशोका टू कैप्चर द थ्रोन। यानी कि जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई
तो अशोक को गद्दी पर बिठाने वाला इनमें से कौन था? तो पहला ऑप्शन है आपका विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। दूसरा है आपका राधागुप्त। तीसरा है आपका ऑप्शन तिस्स। और फोर्थ है आपका बैरम खान। यही ऑप्शंस हैं भाई। बिंदुसार की मृत्यु होने के पश्चात अशोक को गद्दी पर बिठाने वाला इनमें से कौन था? विष्णुगुप्त, राधागुप्त, तिस्य और बैरम खान। तो बैरम खान तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बैरम खान ने अकबर के पीरियड में शासन किया था, यानी अकबर को जो गद्दी पर 1556 में बिठाया था वो बैरम खान ने बिठाया था। यहाँ बात की जा रही है अशोक की, तो ये हो नहीं सकता। तिस्य भाई अशोक का नाम था, जो अशोक का हमारा नाम था वो अशोक का पूरा नाम क्या था? देवनाम प्रियदर्शी तिस्य। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो अशोक का पूरा नाम है। विष्णुगुप्त तो हम जानते हैं, विष्णुगुप्त को ही हम चाणक्य या कौटिल्य के नाम से जानते हैं। तो विष्णुगुप्त ने जो हेल्प की वो चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बिठाने में की, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को जो गद्दी पर बिठाया गया वो विष्णुगुप्त की मदद से बिठाया गया। तो ये भी नहीं हो सकता। रहा कौन सा? राधागुप्त। तो राधागुप्त इज द राइट आंसर। क्लियर है इतना? आंसर क्या होगा हमारा? आंसर हमारा होगा राधागुप्त। राधागुप्त इज द राइट आंसर। विष्णुगुप्त को, विष्णुगुप्त जो हमारा संबंधित है वो किससे है? चंद्रगुप्त मौर्य से। और हम बात किसकी कर रहे हैं? अशोक की। तो ये तो हो नहीं सकता। पहला ऑप्शन हमारा मैंने अभी बताया आपको। तिस्य का मैंने क्या बताया? कि अशोक का नाम था ये, अशोकाज नेम, अशोका नेम। अशोक का पूरा नाम था देवनाम प्रियदर्शी तिस्य। तो ये भी नहीं हो सकता। बैरम खान का मैंने क्या बताया? कि इसने अकबर को गद्दी पर बिठाने में मदद की 1556 में। तो ये भी नहीं हो सकता। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमोंग द फॉलोइंग रोट प्रियदर्शिका? इनमें से किसके द्वारा प्रियदर्शिका नामक पुस्तक को लिखा गया? तो प्रियदर्शिका नामक जो पुस्तक लिखी गई वो हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई। तो सी इज द राइट आंसर। और हर्षवर्धन ने कितनी पुस्तकों को लिखा? 3 बुक को लिखा। जो हर्षवर्धन के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी वो कौन कौन सी थी? तो पहली थी हमारी नागानंद, नागानंद। तो नागानंद ये पहली पुस्तक थी। दूसरा था आपका रत्नावली, और तीसरा था आपका प्रियदर्शिका, जो कि आपका क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो हर्षवर्धन के द्वारा 3 पुस्तकों को लिखा गया, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। क्लियर है इतना? और हर्षवर्धन जो हमारा बिलोंग करता था वो वर्धन वंश से करता था, वर्धन डायनेस्टी से बिलोंग करता था। और इसी के पीरियड में चीनी यात्री ह्वेन त्सांग, चीनी यात्री ह्वेन त्सांग भारत आया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ह्वेन त्सांग ने एक पुस्तक को लिखा जिसका नाम क्या था? सीयू की। तो सीयू की नामक पुस्तक को ह्वेन त्सांग के द्वारा लिखा गया, जो कि एक चीनी यात्री था। और यही हमारे हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान आया था। और हर्षवर्धन ने इन 3 पुस्तकों को लिखा, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। और हर्षवर्धन के पीरियड में एक कवि था जिसका नाम था बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने हर्षचरित को लिखा था। तो खैर, हमारा जो आंसर होगा, प्रियदर्शिका को लिखने वाला कौन था? तो प्रियदर्शिका को लिखने वाला हर्षवर्धन था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द गोल्डन एज ऑफ द गुप्ता लिटरेसी रिनेसेंस इज द सेड टू बी द रीन ऑफ हुम अमोंग द फॉलोइंग?
यानी कि साहित्य का स्वर्णकाल, गोल्डन एज ऑफ इंडियन लिटरेचर, यानी साहित्य का स्वर्णकाल, इनमें से किसके काल को कहा जाता है? पहला है आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट, दूसरा है आपका चंद्रगुप्त सेकंड, तीसरा है आपका कुमारगुप्त और लास्ट है आपका स्कंदगुप्त। तो इनमें से किसके शासनकाल को साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है या साहित्य का पुनर्जागरण स्वर्णकाल कहा जाता है? तो क्या आंसर होगा इसका? बिल्कुल सही जवाब, चंद्रगुप्त सेकंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसके जो पीरियड में थे हमारे कालिदास थे, चरक थे, सुश्रुत थे, है ना, आर्यभट्ट थे, ब्रह्मगुप्त थे, और इन लोगों ने अलग अलग पुस्तकों को लिखा। वराहमिहिर थे जिन्होंने बृहत् संहिता को लिखा। तो चंद्रगुप्त सेकंड के पीरियड में कालिदास थे और कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखा था, आप सभी लोग जानते होंगे। तो हम जो गोल्डन एज ऑफ इंडियन लिटरेचर का पीरियड कहते हैं वो चंद्रगुप्त सेकंड के पीरियड को कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को हम भारतीय साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं, क्योंकि इसी के पीरियड में कालिदास, चरक, सुश्रुत, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, ये सभी स्कॉलर्स थे, इसीलिए इसे गोल्डन एज ऑफ इंडियन लिटरेचर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फोर वेदास, यानी कि आपको कुछ चार नाम दिए गए हैं और उनमें से आपको सिलेक्ट करने हैं कि कौन कौन से इनमें से वेद हैं। पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, आरण्यका, ये चार ऑप्शंस हैं। तो इनमें से आपके कौन कौन से वेद हैं, तो एक बार हम इनको देख लेते हैं। तो जो हमारे वेद हैं वो चार हैं, ये आपको पता है और आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो पहला जो वेद है हमारा वो है ऋग्वेद, दूसरा है आपका यजुर्वेद, तीसरा है आपका सामवेद और फोर्थ है आपका अथर्ववेद। तो ऋग्वेद आपका ऑप्शन है, सामवेद आपका ऑप्शन है, यजुर्वेद आपका ऑप्शन है, अथर्ववेद नहीं है। तो पहला और दूसरा और तीसरा सही है, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? सी, सी इज द राइट आंसर। जो हमारे चार वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ऑप्शन आपको केवल तीन दिए हुए हैं, तो एक दो तीन इज द राइट आंसर। आरण्य का वेद नहीं है आपका। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया उपवेद कितने हैं, तो उपवेद भी चार हैं। ऋग्वेद से हमारा बनाया गया आयुर्वेद, यजुर्वेद से बनाया गया धनुर्वेद, सामवेद से बनाया गया गांधर्व वेद और अथर्ववेद से बनाया गया आपका शिल्प वेद। तो ये हमारे चार उपवेद हैं और चार वेद हैं। हर एक वेद से एक उपवेद बनाया गया, ऋग्वेद से आपका आयुर्वेद, यजुर्वेद से आपका धनुर्वेद, सामवेद से आपका गांधर्व वेद और अथर्ववेद से आपका शिल्प वेद। तो चार वेद हैं और चार उपवेद हैं, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ कौटिल्य अपरूटेड विच ऑफ द फॉलोइंग किंग, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जिसने चाणक्य का साथ लिया उनमें से किस शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी से हटाया? यानी कि जब चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य की सहायता से भारत पर शासन करना चाह रहा था तो उस समय शासक कौन था? तो उस समय जो हमारा शासक था वो धनानंद था, धनानंद। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और धनानंद जो बिलोंग करता था वो नंद वंश से बिलोंग करता था, नंद डायनेस्टी। कालाशोक जो है हमारा, मैंने बताया आपको कालाशोक हमारा शिशुनाग वंश से है,
शिशुनाग भी हमारा उसी से है। महापद्म नंद ये नंद वंश के संस्थापक थे। महापद्म नंद के बाद ही तो बैठा था धनानंद। तो धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हटाया था विद द हेल्प ऑफ चाणक्य और कौटिल्य और विष्णुगुप्त शर्मा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग रॉयल ग्रांट ऑफ लैंड ब्राह्मणास एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। यानी कि इनमें से किस शासक के द्वारा या इनमें से किस वंश के द्वारा रॉयल ग्रांट दिया गया यानी लैंड को दिया गया एक भूमि अनुदान के रूप में ब्राह्मण और बुद्धिस्ट को, तो वो काम किसने किया। यानी कि लैंड ग्रांट को जो कि ब्राह्मण और बुद्धिस्ट को दिया गया वो इनमें से किस वंश ने किया। तो इसका जो हमारा आंसर होगा सातवाहन। सातवाहनों ने ही भूमि अनुदान या भू अनुदान की प्रक्रिया को स्टार्ट किया था लैंड ग्रांट, और किसके लिए किया था, तो ब्राह्मण्स और बौद्ध इन दोनों के लिए ही सातवाहन ने भू अनुदान की प्रक्रिया को स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कुशान रूलर इश्यूड अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है। इनमें से किस शासक के द्वारा अधिकतम सोने के सिक्के चलाए या अधिकतम सोने के सिक्के जारी किए। ये शुद्ध कॉइन की बात नहीं कर रहा, ये प्योर गोल्ड कॉइन की बात नहीं कर रहा है। ये क्या कह रहा है कि इनमें से किस कुशान शासक के द्वारा लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन, ज्यादा से ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए। तो वो था हमारा विम कडफसिस द्वितीय ने ज्यादा से ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए। और अगर बात की जाए शुद्ध सिक्कों की, तो प्योर गोल्ड कॉइन कनिष्क ने जारी किए, लेकिन बात किसकी हो रही है, लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन की। तो विम कडफसिस इज द राइट आंसर। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि काफी लोग अभी इस पर टिक कर देते कनिष्क को। कनिष्क ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, विम कडफसिस ने ज्यादा से ज्यादा सिक्के जारी किए। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ चोल किंग, चोल राजाओं की राजधानी इनमें से क्या है। तो चोल राजाओं की राजधानी हमारी जो होगी वो क्या होगी, वो होगी तंजौर। और तंजौर को ही हम बोलते थे क्या, तंजावुर। मदुरई जो है वो पांड्य की राजधानी है, कांची है पल्लव की। तो चोल की जो राजधानी है वो है हमारी तंजौर या तंजावुर, और बाद में इसे ट्रांसफर करके गंगईकोंड चोलपुरम बनाया गया था। चोलों की राजधानी तंजौर थी और बाद में इसे ट्रांसफर करके गंगईकोंड चोलपुरम बनाया गया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वेयर एंड व्हेन वॉज द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। अभी मैंने आपको बताया था, जस्ट मैंने आपको पहले या दूसरे क्वेश्चन में बताया था कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ और कब आयोजित की गई। यही पूछ रहा है कि वेयर एंड व्हेन वॉज द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। द्वितीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ आयोजित की गई, तो ये हमारा होगा वैशाली 383 ईसा पूर्व कालाशोक के शासनकाल के दौरान द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। क्लियर है इतना, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हु अमोंग द फॉलोइंग वॉज द 23rd तीर्थंकरा। इनमें से 23वें तीर्थंकर कौन हैं। हु अमोंग द फॉलोइंग वॉज द 23rd जैन तीर्थंकरा। आप लोग जानते हैं कि जैन धर्म में हमारे 24 तीर्थंकर हुए थे, और जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को ही हम लोग क्या कहते हैं, रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म।
रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, यही तो बोलते हैं। तो 24वें तीर्थंकर थे हमारे महावीर स्वामी। तो ये पूछ रहा है 23वां कौन था, तो 23वां था आपका पार्श्वनाथ। 23rd जो तीर्थंकर थे वो थे हमारे पार्श्वनाथ। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है इतना? अगला क्वेश्चन, उपनिषद आर बुक ऑन, जो उपनिषद लिखे गए वो हमें किसके बारे में बताते हैं, जो हमारे उपनिषद हैं वो हमें किसके बारे में बताते हैं? पॉलिटिक्स, तो भाई पॉलिटिक्स के बारे में कौन बताता है हमें? अर्थशास्त्र, फिलॉसफी, मेडिसिन, मेडिसिन के बारे में कौन बताता है? मेडिसिन के बारे में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वराहमिहिर की बृहत संहिता, ये बताती है। तो भाई पॉलिटिक्स हो नहीं सकता आपका, मेडिसिन आपका हो नहीं सकता। सोशल लाइफ, सोशल लाइफ के लिए अलग अलग बुक हैं, जैसे कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, मेगास्थनीज की इंडिका, तो ये भी नहीं हो सकता। फिलॉसफी, उपनिषद हमारे जो बताते हैं वो हमारे दर्शन के बारे में बताते हैं, और उपनिषद जो हैं वो 108 हैं, और सबसे प्रमुख उपनिषद जो है हमारा वो है मुंडोकोपनिषद, जिससे क्या लिया गया? सत्यमेव जयते, सत्य की सदा विजय होती है। तो उपनिषद संख्या में 108 हैं, जो कि दर्शन के बारे में बताते हैं, अर्थात फिलॉसफी के बारे में बताते हैं। सबसे प्रमुख उपनिषद जो है हमारा वो है मुंडोकोपनिषद, और इससे क्या लिया गया? सत्यमेव जयते लिया गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। अगला क्वेश्चन, विच अमोंग द फॉलोइंग इज अ प्लेस इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल या कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके मोहनजोदड़ो, रंगपुर, हड़प्पा और आलमगीरपुर। तो क्या आंसर होगा? भाई आलमगीरपुर हमारा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहां पे? मेरठ में। हड़प्पा कहां है? मैंने अभी आपको बताया था, मॉन्टगोमरी डिस्ट्रिक्ट में है। मॉन्टगोमरी कहां पर है? पाकिस्तान। रंगपुर आप लोग जानते ही हैं, ये कहां पर है? कहां है भाई रंगपुर? ये है आपका हमारा गुजरात। और मोहनजोदड़ो कहां पर है? तो ये है हमारा लरकाना डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान। और इस स्थल की जो खोज हुई थी वो 1922 में हुई थी, और किसके द्वारा की गई? राखल दास बनर्जी के द्वारा। तो राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई थी, जो कि लरकाना जिले के पाकिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट लेड टू द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनमें से कुछ कारण आपको दिए गए हैं कि इनमें से किन कारणों की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। व्हाट लेड टू द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समापन या समाप्ति हुई इनमें से किस कारण की वजह से हुई? इन्वेजन ऑफ आर्यंस, आर्यों ने आक्रमण किया। रिकरेंट फ्लड्स, बाढ़ आना स्टार्ट हो गए थे। अर्थक्वेक, भूकंप आ गया था। ऑल ऑफ द एबव, तो ऑल ऑफ द एबव, ये तीनों ही कारण थे जिनकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। आर्यों ने आक्रमण भी किया, बाढ़ भी आई और भूकंप भी आया। तो चारों ही आपके सही हैं, तीनों ही आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के इनमें से कौन फादर हैं? तो ये जो है हमारे अलेक्जेंडर कनिंगम है, और इनका काल 1853 के आसपास का था। तो अलेक्जेंडर कनिंगम को हम लोग फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहते हैं,
तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन, द कन्वर्सेशन बिटवीन नागसेन एंड मिनांडर रिलेटेड टू बुद्धिज्म इज रिकॉर्डेड इन विच बुक. यानी कि जो नागसेन और मिनांडर के बीच जो संवाद हुआ वो कौन सी पुस्तक में वर्णित है. तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, वो आंसर होगा मिलिंद पन्हो. मिलिंद पन्हो. तो नागसेन जो कि बौद्धिस्ट मॉन्क थे, उन्होंने मिनांडर के साथ संवाद किया और उसे बताया कि आपको बौद्ध धर्म क्यों अपनाना चाहिए. तो इन दोनों के बीच जो बातें हुई वो मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में डिस्कस की गई हैं और वहां से मिनांडर कन्वेंस हुआ और उसने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. और आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट तमिल किंगडम केम टू बी नॉन फ्रॉम संगम लिटरेचर. इनमें से किस तमिल साम्राज्य को हम संगम साहित्य में जोड़ते हैं. तो संगम साहित्य जो हम कहते हैं वो चोल चेर पांड्य तीनों के काल को कहते हैं और इसी को हम संगम काल भी कहते हैं, संगम पीरियड. यानी कि ये तीनों वंश एक साथ शासन कर रहे थे. चोल था हमारा कहां पे, चोल था हमारा तंजौर में, पांड्य था मदुरई में. तो ये तीनों वंश साथ में शासन कर रहे थे और इसी के काल को हम संगम काल कहते हैं और जो इनका लिटरेचर लिखा गया इसी को हम संगम लिटरेचर कहते हैं. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. तो संगम लिटरेचर इन तीनों के काल को ही कहा जाता है. तो ये रहे थे आपके आज एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछने के चांसेस हैं. अगर आपको हिस्ट्री में कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, वहाँ आपको रिप्लाई दिया जाएगा. ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए. जो लोग कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो यहाँ से हमारे यूट्यूब से पढ़ सकते हैं. तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ. थैंक यू फ्रेंड, ऑल द बेस्ट.